हेलो, आई एम आबिदा एंड वेलकम टू माय फ्लेवर्स। आज हम घर पर लीची आइसक्रीम बनाएंगे। ये बहुत ही सिंपल रेसिपी है और इसका टेस्ट मार्केट में मिलने वाली लीची आइसक्रीम से कहीं ज़्यादा अच्छा है। अगर आपको मेरी लीची आइसक्रीम की ये रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्लिक करें। लीची आइसक्रीम बनाने के लिए हम 500 ग्राम लीची लेंगे। लीची को मैंने छील कर इसका बीज निकाल लिया है। अब इन्हें एक ब्लेंडर में डालकर इसमें जरूरत के हिसाब से 1/4 से आधा कप फुल फैट ठंडा दूध डालकर दरदरा पीस लेंगे। अब एक बड़े मिक्सिंग बाउल में 200 ग्राम चिल्ड फ्रेश क्रीम डाल लेंगे। क्रीम को काम में लेने से 2 घंटे पहले फ्रीजर में रख दें। अब क्रीम को वायर विस्क या इलेक्ट्रिक मिक्सर की मदद से स्टिफ पीक बनने तक हाई स्पीड पर बीट कर लेंगे। अब इसमें आधा कप ठंडा कंडेंस्ड मिल्क, लीची पेस्ट और आधा टीस्पून वनीला एसेंस डालकर वायर विस्क से अच्छे से बीट कर लेंगे। तैयार मिक्सचर को आइसक्रीम मोल्ड या किसी एयरटाइट कंटेनर में डालकर अच्छे से कवर करके फ्रीजर में सेट होने के लिए रख दें। लीजिए, तैयार है हमारी होममेड लीची आइसक्रीम। द सेट आइसक्रीम को स्कूप करके सर्व करें और इंजॉय करें होममेड फ्रेश लीची आइसक्रीम। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसी और रेसिपीज़ के लिए मेरी वेबसाइट को विजिट करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। हैव अ फ्लेवरफुल ईटिंग।